दिन से मुझे लोग कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे कि सर आपका जो PFC वाला है वो कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। तो फाइनली अब ये लॉन्च हो गया है। और PCB आप देख लीजिएगा, PCB की क्वालिटी मैंने ब्लू कलर में बनवाया है, क्योंकि रेड में थोड़ा ना उसको जब सोल्डिंग करते थे तो वो पैड कलर छोड़ जाता था, तो मैंने इसकी बार ना ब्लू में बनवाया है। ब्लू कलर बिल्कुल भी, जो सोल्डिंग आप लगा के रखोगे तो ये जो पैड है बिल्कुल कलर नहीं छोड़ते। अभी देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ पे भी आपका जो लोड रहता है, चाहे वो 12 वोल्ट का हो, 15 वोल्ट का हो, मैंने सारा ट्रेनिंग करवाया। और जहाँ पे लोड नहीं है, मिली एम्पियर में करंट फ्लो या सिग्नल जाता है, वहाँ पे मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं कराया। बाकी आप देख लीजिएगा, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, ग्राउंड हो, उन सब पे ट्रेनिंग है। चाहे वो यहाँ से जो सप्लाई आ रही है मेन सप्लाई AC वाली, उन पर भी मैंने ट्रेनिंग करवाया PCB का। और PCB की जो क्वालिटी है मैंने थोड़ा आपकी बार इंप्रूवमेंट कराया, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते थे सर PCB की थोड़ी और फिनिशिंग करो, और फिनिशिंग करो ना। तो अब की बार मैंने प्रॉपर ग्लास में बनवाया, अच्छी ग्लास क्वालिटी में, क्योंकि ग्लास में तो पहले भी बनता था, बट अभी मैंने और भी थोड़ा इंप्रूवमेंट उसको बोला कि भाई जो आप ये कलर करते हो ये बिल्कुल अच्छा आना चाहिए अब की बार। तो मैंने बिल्कुल कोशिश की है अब की बार आपको PCB भी काफ़ी अच्छा मिले, चमकता हुआ। और कुछ लोग जैसे कहते थे कि सर ये हमारे पैड वगैरह टूट जाता है, दोबारा ख़राब होता है, तो इसको भी हमने, जो पैड पहले क्या होते थे हमारे काफ़ी छोटे होते थे, तो अब की बार हमने पैड भी मोटे करवा दिए। जैसे अभी ये पैड देखोगे हमने बड़ा करवा दिया, ताकि आप इस पर 60 वाट की भी आयरन लगा देते हो, कुछ लोगों को यूज़ करना नहीं आता, तो वो भी अगर आप इसको ईजिली से आप निकाल सकते हो तो पैड आपके छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा PCB है, PFC फुल ब्रिज PFC में भी। और इसमें क्या था, एक ए भी अभी तो नहीं, बट आने वाले टाइम में आपको PFC भी अलग से, जो ये इसका जो सर्किट होता है PFC का, और वो भी आपको अलग से मिल जाएगा। बट अभी आपको PFC के जो ये कार्ड्स है इसी में इनबिल्ट मिलेगा। अलग से भी आपको कुछ दिन के बाद आपको PFC, सिर्फ ओनली PFC कार्ड भी अलग से आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि कुछ आपका SMPS किसी और से ले रखा है, आपके पास पुराना SMPS है, उसमें आप PFC का सर्किट लगा के उसकी पावर को भी बढ़ा सकते हो। तो देख लीजिएगा, ये रेडी है बोर्ड। और ये जो कैपेसिटर है ये भी देख लीजिएगा, हमने 680 UF का लगाया है, 320 का नहीं, 330 UF का नहीं लगाया, क्योंकि एक तो PFC भी पावर करेगा और ये भी अच्छा काफ़ी स्टोरेज करेगा। तो आपको प्रॉपर लोड, जब आप 7-8 हज़ार वाट लोड डालते हो ना, तो पीछे से ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, तो ये ड्रॉप भी नहीं होगी। और सेकेंड थिंग, जहाँ पे भी आप देखोगे ना जम्पर वगैरह लगते हैं, ये देखोगे जम्पर है, ये 14 नंबर की 2 वायर लगी हुई है DC वोल्टेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो DC वोल्टेज है वो ज़्यादा नहीं होता। जैसे किसी को 80 वोल्ट पे बनवाना है तो क्या होता है, अगर एक मारने से ही गर्म होने लगता है या एम्पियर ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ पे भी हमने उसकी के लिए 2 दे दिया। और ये वाला अपना AC लाइन है, तो AC में तो 220 वोल्ट आएगा, तो ये 14 नंबर चल जाएगा AC में, ठीक है। तो ये जल्दी लॉन्च हो जाएगा, और प्रॉपर वीडियो भी मैं इसकी टेस्टिंग वीडियो भी, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये वाट कितना वाट ले रहा है, हमें मल्टीमीटर पे दिखाओ, मैं पूरा आपको वाट लोड पे, 2 ओम के लोड पे, 4 ओम के लोड पे, इसका प्रॉपर वाटेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ,